दोस्तों, तो हम आप सबके लिए नए वीडियो लेके आ चुके हैं और अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये है पंचदीप पार्किंग के पास का दृश्य और रेस्क्यू कैसा किया जाता है जब कोई गंगा में डूब जाता है, इसका भी दृश्य अभी आपको दिखाएंगे। और अभी हम पंचदीप पार्किंग से होके हर की पैड़ी जाएंगे और हरिद्वार में जो अभी कांवड़ यात्रियों के, जो कि डाक कांवड़ अभी आ रहे हैं खास तौर पर, काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पर जो पार्किंग है उसकी दिशा और दशा आप देख सकते हैं, रोड के ऊपर पार्किंग करती हैं, इसके वजह से भी जाम यहाँ पे हो जाता है। और दृश्य कुछ देर बाद का आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि होता क्या है हरिद्वार में भी, क्योंकि जो 4 करोड़ का आकलन किया जा रहा था लोगों की संख्या में, लेकिन 4 करोड़ तो कब से पार हो चुका है और दिशा कुछ इस प्रकार से अभी हरिद्वार का देखने को मिल रहा है। रास्ते में दोनों ओर काफ़ी जाम लगे हुए, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये है स्वामी विवेकानंद पार्क के पास का दृश्य, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया है। पिछले 3 दिनों से हरिद्वार में आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर हम कहीं भी कुछ काम से जाते हैं तो हमें 5 मिनट का सफ़र को आधे घंटा, 1 घंटा, कहीं कहीं 3-4 घंटे का टाइम लग जाता है। तो चलते हैं, आपको दृश्य दिखाते हैं हरिद्वार में। ऐसे अभी काफ़ी सारे श्रद्धालु खासतौर पर भोले गहरे जल में डुबकी लगाते लगाते बह गए थे, उन्हें कैसे रेस्क्यू किया गया वो हम आपको बताएंगे। अभी हम हैं, जैसे कि पहले हमने बताया था, कि स्वामी विवेकानंद पार्क के पास है, जहां पे शिव जी की काफी ऊंची मूर्ति है। अब यहाँ पे आज श्रद्धालु पूजा करने आए हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई है। ये है स्वामी विवेकानंद पार्क का, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी भीड़ है। जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है पंचदीप पार्किंग में, काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं, पंचदीप पार्किंग का घाट है वो, और वहाँ पे अभी जाने के बाद आपको जो परेशानी है वो आपको हम दिखाने वाले हैं। ये वाला देहरादून ऋषिकेश हाईवे है, हमारी एंट्री गेट नंबर 2 से हो रही है पंचदीप पार्किंग में। पंचदीप पार्किंग का प्राइस लिस्ट आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, सारे ओर से श्रद्धालु बाहर की ओर निकल रहे हैं और अंदर की ओर भी आ रहे हैं। जगह नहीं होता है पंचदीप पार्किंग में, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये शिव डाक कांवड़ हरिद्वार से जा रहे हैं जल लेके। ऐसे काफ़ी सारे डाक कांवड़ यात्री हरिद्वार से निकल चुके हैं जल लेके, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी अब देख रहे हैं। ये है पार्किंग का डोर, इधर भी पार्किंग है और इधर भी पार्किंग है, और ये है बाहर जाने का। तो अभी हम गाड़ी को यहीं पे पार्क करेंगे और अंदर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है। अभी पहले आपको हम मार्केट का दृश्य दिखाएंगे, फिर हम आपको हरिद्वार के जो दृश्य हमने आपको पहले बता रखा है कि रेस्क्यू किया कैसे जाता है और वहाँ पे हमें क्या क्या परेशानी होती है। ये वाले जो जल की धारा है, इसमें काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं। और मेन धारा जो सामने की ओर है वो है, और यहाँ पे जल की गति काफ़ी कम है। ये आप अभी देख रहे हैं रेस्क्यू टीम, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि रेस्क्यू कैसा किया जाता है। यहाँ पे अभी कुछ देर बाद हम आपको दिखाने वाले हैं। ये वाली जो धारा है वो मेन धारा है, ये वाली धारा मेन है, और
यहाँ पे जो हाथ हिला रहे हैं ऐसे ही वो डूबने के बाद हाथ हिलाते हैं, तो फिर वो जाते हैं बचाने के लिए या फिर कोई उन्हें बुलाते हैं। और यहाँ पे गहरे जल में स्नान करने का आप देख रहे हैं दृश्य। ऐसा स्नान ना करें, परेशानी में आप पड़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हरे रंगे।